नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कट ऑफ देखेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कट ऑफ है, पहले मेल का देखेंगे, फिर उसके बाद फीमेल का देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कौन तक बने रहिएगा। एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ होगा, लगभग 1 या 2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये कट ऑफ जो होगा काफ़ी एक्सपेक्टेड है, आप इसी के आसपास आपका कट ऑफ आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार कट ऑफ एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जनरल का। ठीक है, तो ये जनरल का कट ऑफ जो जाएगा 72 से 75 के बीच जाएगा। ठीक है, क्योंकि दरोगा का कट ऑफ भी इतना नहीं आया था, याद रखिए। दरोगा का कट ऑफ भी जनरल का इतना नहीं आया था, इसलिए बिहार पुलिस में कुछ आपको बढ़ाकर बताया जा रहा है कि जनरल का जो बिहार पुलिस का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा 72 से 75 के बीच, या 2 से 3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक, ओबीसी मेल की बात करें तो इसमें ओबीसी मेल में 69 से 70 कट ऑफ जाने की संभावना है, ओबीसी मेल की बात करें तो। आगे फिर देख लीजिए, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 70 से 73 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जो सभी लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो लगाए होंगे उनके लिए जो कट ऑफ होगा 70 से 73 के बीच जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो इनका कट ऑफ जो जाने की संभावना है 52 से 55 के बीच जाएगा। ठीक है, 52 से 55 के बीच। ठीक, और उसके बाद एससी का कट ऑफ देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके कट ऑफ जो होंगे वो 58 से 60 जाने की संभावना है। ठीक, ये जो कट ऑफ मैंने बताया है, इस दायरे के अंतर्गत आपने आंसर की से मिलान किया होगा, बहुत सारे टीचर लोगों ने बताया, चूँकि इस बार अलग अलग जिलों से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न थे। जैसे मान लीजिए सारण है, तो सारण का प्रश्न जो था वो सिवान से अलग था, मुजफ्फरपुर का अलग था, रोहतास का अलग था, ठीक है, अररिया का अलग था, मधुबनी का अलग था, सुपौल का अलग था। ठीक है, तो वैसे था। अब हम लोग के मेल का देख सॉरी फीमेल का देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर मैंने लिख दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल फीमेल कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये 100 नंबर का जो आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा, 100 नंबर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि 100 नंबर में आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी गर्ल्स को ध्यान देना चाहिए इस पर, इसका दायरे में आप होंगे तो आपका ठीक रहेगा। बाकी इसमें जो हुआ है टाइपिंग वगैरह, उससे हम बढ़ाकर बताएंगे, क्योंकि देखिए जनरल में अगर हम लड़कियों की बात करें, ठीक है, जनरल में अगर हम लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर इनका जो कट ऑफ जाने वाला है 65 से 70 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइपिंग हुआ उस पर ध्यान नहीं देना है। जनरल कैटेगरी में लड़कियों की कट ऑफ 65 से 70 जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कट ऑफ देख लीजिए। ओबीसी में जो लड़कियों का कट ऑफ जाने वाला है वो आपका जाएगा 60 से 65। ठीक है, 60 से 65 जाएगा ओबीसी में। ठीक, अगर इस दायरे में हैं तो आप ठीक हैं। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो गर्ल्स का कट ऑफ होगा ये जाएगा आपका 45 से 50। ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स का जो कट ऑफ होगा ये आपका 45 से 50 के बीच जाने वाला है। अगर इस दायरे में आप हैं, इस दायरे के अंतर्गत आप आते हैं, या 1 से 2 नंबर इधर भी, तो समझ लीजिए कि आप ठीक ठाक हैं। उसके बाद एसी की बात करें तो एसी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका समझ लीजिए 45 से 48, लड़कियों का बता रहे हैं। ठीक है, 45 से 48 एसटी कैटेगरी के लड़कियों के लिए है। ठीक है, यानी 45 से 48 के बीच में आप आएँ तो आगे आपको रनिंग के लिए सोचना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। अब देख लीजिए आगे हम एसी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसी कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगा ये 40 से 42 जाने की संभावना है एसी कैटेगरी की लड़कियों का। ठीक है, तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया है दोस्तों, अगर इस दायरे में अगर आप आते हैं, अगर इस दायरे में आप आते हैं तो ठीक है, और आपको आगे फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए, और रिजल्ट जो आपके हैं इसी सितंबर महीने में आ जाएंगे। ठीक है, जो मीडिया है और बहुत सारे बिहार पुलिस की जो आयोग है
उसके अनुसार आपके सितंबर में रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। ठीक, तो जैसा एक्टिविटी होगा फिर आपको बताया जाएगा। अगर इसमें दिक्कत होगा तो फिर हम एक नए सिरे से एक और कटअप लेकर आएंगे और वो अधिकारी से रिसोर्सेस प्राप्त कर हम लोग देखेंगे। ओके, फिर जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।